Hello students, I am Ruchika from English Academy. I welcome all of you to today's session. Today we will discuss a chapter for class 12 English from your Flamingo book. This is chapter 4, The Rat Trap, written by Selma Lagerlöf. Now, what is the title of the chapter? The Rat Trap. This is a metaphor. Now, the writer Selma Lagerlöf says that the rat trap, एक चूहा पकड़ने वाला जो पिंजरा होता है, दैट हैज़ बीन कंपेयर्ड टू द वर्ल्ड. एंड जो हमारे मेन कैरेक्टर हैं स्टोरी के, अ रैट ट्रैप सेलर, ही बिलीव्स दैट जिस तरह से रैट ट्रैप में एक बेट रखा जाता है, एक चीज़ का टुकड़ा रखा जाता है जिसके लालच में चूहा उस रैट ट्रैप में घुस जाता है, इसी तरह वर्ल्ड में भी जो मटीरियलिस्टिक प्लेजर्स हैं, जो चीज़ें हैं, वो भी एक बेट हैं और वो ह्यूमंस को अट्रैक्ट करती हैं मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ. और जब वो अट्रैक्ट हो जाते हैं तो वो इस वर्ल्ड के ट्रैप में फंस जाते हैं. सो दिस इज़ द मेन थीम ऑफ दिस स्टोरी. एंड हमारे जो मेन कैरेक्टर हैं, ही इज़ अ रैट ट्रैप सेलर, ही इज़ अ वैगाबॉन्ड, मीन्स ही इज़ अ वॉन्डरर, ही इज़ अ होमलेस पर्सन, ही इज़ अ ट्रैम्प. उसका कोई घर नहीं है, कोई फैमिली नहीं है, तो वो क्या करता है, वो ऐसे रैट ट्रैप्स बनाकर बेचता है और छोटी छोटी चोरियां करता है, उसके सहारे वो अपना गुजारा करता है. और उसका जो बिलीफ है वो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. स्टोरी सेट है स्वीडन में. स्वीडन में बहुत सारी आयरन ओर्स हैं, आयरन मिल्स हैं, वहीं पर ये स्टोरी सेट हुई हुई है. तो लेट अस स्टार्ट विद अ स्टोरी. वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रैट ट्रैप्स ऑफ वायर. तो यही वो मैन है जो मेन कैरेक्टर है हमारी स्टोरी का. वो छोटे छोटे रैट ट्रैप्स बनाता था वायर के साथ और उन्हें बेचकर वो अपना गुजारा करता था. ही मेड देम हिमसेल्फ एट ऑड मोमेंट्स फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बाय बेगिंग इन द स्टोर्स और एट द बिग फार्म्स. ऑड मोमेंट्स मीन्स शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जो उसे कोई भी फ्री टाइम के छोटे छोटे पीरियड्स मिलते थे, छोटी छोटी ड्यूरेशंस मिलती थी, उनमें वो ये रैट ट्रैप्स खुद बनाता था. और उनको बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए होता था वो स्टोर से भीख मांग के इकट्ठा करता था या फिर बड़ी बड़ी फार्म से डगिंग करके वो ये मटेरियल इकट्ठा करता था और फिर रैट ट्रैप्स बनाता था. बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, so he had to resort to both begging and petty thievery to keep body and soul together. अब ये जो business है rat trap बनाकर बेचने का business, वो इतना profitable नहीं था, उससे उसको इतनी कमाई नहीं होती थी, तो उसे और कुछ भी करना पड़ता था. resort to means कोई ऐसा काम करना जो आपका last resort है, जो only available option है आपके पास. तो उसके पास क्या option रह जाती थी, बेगिंग यानी कि भीख मांगना और छोटी छोटी चोरियां करना. टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर मीन्स टू रिमेन अलाइव. तो जिंदा रहने के लिए उसे बेगिंग करनी पड़ती थी और थीवरी करनी पड़ती थी, क्योंकि रैटर बनाकर बेचने का बिजनेस इतना प्रॉफिटेबल नहीं था. आगे स्टोरी पढ़ते हैं. इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स, हिज चीक्स वर संकन एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज. और तो और हमें फर्दर उस रैट ट्रैप सेलर की डिस्क्रिप्शन पता चल रही है. वो देखने में कैसा था, उसके कपड़े कैसे थे, रैग्स थे, यानी कि फटे पुराने थे, घिसे हुए थे, बहुत ही बुरी हालत थी उसकी. हिज चीक्स वर संकन, यानी कि उसके गाल उसके चेहरे के अंदर धंसे हुए थे, विच शोड दैट ही वॉज वेरी वीक एंड मैल नरिश्ड. उसे खाने को भी कुछ नहीं मिलता था. And hunger gleamed in his eyes. Gleamed means to shine brightly. तो उसकी आंखें देखकर पता चल जाता था कि वो बहुत ज़्यादा भूखा है, उसने बहुत देर से कुछ खाया नहीं है. तो ऐसी हालत थी इस rat trap seller की. No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond who plods along the road left to his own meditations. Monotonous means boring. जब आपकी लाइफ में कोई एम नहीं है, वो बोरिंग हो जाती है, यू कैन से इट इज़ मोनोटोनस, इट इज़ डल. वैगाबॉन्ड इज अ
होमलेस वॉन्डरर, एक ऐसा इंसान जिसका कोई घर नहीं है, कोई फैमिली नहीं है, तो वो इधर उधर भटकता रहता है, उसे हम वैगाबॉन्ड कह सकते हैं। प्लॉड्स मीन्स टू वॉक विद हैवी स्टेप्स, मीन्स आप चाहते नहीं हैं चलना, इसलिए आप ऐसे हैवी स्टेप्स लेकर चल रही हैं। एंड मेडिटेशंस मीन्स थॉट्स, आपके ख्याल। तो अब यहाँ पे राइटर हमें कह रही हैं कि हम इमेजिन नहीं कर सकते कि एक होमलेस व्यक्ति की लाइफ कितनी सैड और डल हो सकती है, जो ऐसे ही सड़क के किनारे चलता जा रहा है बिना किसी एम के और अपने ख्यालों में खोया हुआ है। इसकी लाइफ बिल्कुल एमलेस है, डल है, बोरिंग है, बहुत सैड है। कोई एम नहीं है, कोई फैमिली नहीं है, लाइफ में कुछ भी करने को नहीं है, सिर्फ अपने ख्यालों में खोया हुआ वो सड़क पे चल रहा है। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट विच रियली सीम्ड टू हिम एंटरटेनिंग। एक दिन इसके दिमाग में एक ऐसा ख्याल आया, इट वॉज अ लाइन ऑफ थॉट, मीन्स एक चेन थी, एक सीक्वेंस थी विचारों की, और उसे ये विचार बहुत एंटरटेनिंग लगे, बहुत अच्छे लगे, उसे इन्हें सोच कर बहुत अच्छा लग रहा था। ही वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी टू थिंक अबाउट इट। क्या थॉट था? ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रैट ट्रैप्स व्हेन सडनली ही वॉज स्ट्रक बाई द आइडिया दैट द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, द होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड्स एंड सीज, इट्स सिटीज एंड विलेजेस, वॉज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप। अब वो अपनी रैट ट्रैप्स के बारे में सोच रहा था, वो रैट ट्रैप्स जो चूहे पकड़ने के काम आते हैं, जिन्हें वो बेचता था। अचानक से उसके दिमाग में ये ख्याल आया कि जो पूरी दुनिया है, पूरा जो वर्ल्ड है, संसार है, वो भी एक रैट ट्रैप है, बहुत बड़ा रैट ट्रैप। आगे वो फर्दर इसको एलैबोरेट करेंगे, आइए देखते हैं। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस दैन टू सेट बेट्स फॉर पीपल। तो फर्दर उसे क्या ख्याल आता है कि ये जो वर्ल्ड है, इसकी एग्जिस्टेंस क्यों है? ताकि लोगों को वो लालच दे सके। तो लालच क्या है? जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, जैसे कि गाड़ियाँ, पैसा, बड़े बड़े घर, ज्वेलरी, ये सब मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं। जो ये क्या हैं? ये बेट्स हैं, ये वो चीज़ें हैं जो डिज़ायर की चीज़ें हैं, जो हमारे अंदर लालच पैदा करती हैं। इट ऑफर्ड रिचेज एंड जॉयज, शेल्टर एंड फूड, हीट एंड क्लोदिंग, एग्जैक्टली एज द रैट ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड पोर्क, एंड एज सून एज एनी वन लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड टू टच द बेट, इट क्लोज्ड इन ऑन हिम एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड। तो जैसे हम रैट ट्रैप के अंदर चीज़ और पोक रखते हैं एक चूहे को लालच देने के लिए, उसी तरह हमारी दुनिया में जितने भी रिचेज हैं, पैसा, ज्वेलरी, शोहरत, जितनी भी खुशियां हैं, शेल्टर हैं, घर हैं, बड़े बड़े अलग अलग खाने की चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ें हैं जो हमें हीट देती हैं, क्लोदिंग ऑफर करती हैं, ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब चीज़ें बेट हैं, ये सब चीज़ें हमें लालच देने के लिए हैं। और हम जब इनकी तरफ टेम्प्ट हो जाते हैं, हमारे अंदर लालच आ जाता है इन्हें पाने का, वो हमारा अंत है। जैसे ही हमारे अंदर लालच आ जाता है, द ट्रैप क्लोजेज ऑन अस एंड देन सब कुछ ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हम इस वर्ल्डली ट्रैप में फंस जाते हैं। ये है विचार उस रैट ट्रैप सेलर का, जिसे सोचकर उसे बहुत एंटरटेनिंग फील हो रहा था। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे। अनवांटेड मींस अनयूजुअल, बहुत ही डिफरेंट टाइप की खुशी। अब ये जो रैट ट्रैप सेलर है, इसके साथ कभी भी लोगों ने अच्छा बर्ताव नहीं किया था, इसीलिए जब इसके दिमाग में ऐसा ख्याल आया कि दुनिया एक रैट ट्रैप है और सब लोग जो मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स के लिए लगे हुए हैं, वो इस रैट ट्रैप में फंसे हुए हैं, ऐसा सोच के उसे एक बहुत ही अलग तरह की खुशी मिली, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि जितने लोग उसके साथ बुरा बर्ताव करते हैं, वो सब तो एक रैट ट्रैप में फंसे हुए हैं। तो जब उसे ऐसा लगा कि वो सब भी किसी अनहैप्पी सिचुएशन में हैं, तो उसे उनके बारे में सोचकर बहुत अच्छा लग रहा था।
It became a cherished pastime of his during many dreary ploddings to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare and of others who were still circling around the bait. Cherished means favorite, aapki manpasand cheez. Dreary means scary, bahut hi daravna. And ploddings means laborious hard work, बहुत ही मेहनत के साथ हार्ड वर्क करना. स्नेयर मींस अ ट्रैप. तो यहाँ पे फर्दर माय राइटर ये कह रही हैं कि ये उसका एक फेवरेट पास्ट टाइम बन गया था. रैट ट्रैप सेलर का फेवरेट पास्ट टाइम बन गया था. जब भी बेचारा बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता था तब वो क्या सोच के खुश होता था, ये सोच के खुश होता था कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें वो जानता है, वो सब इस वर्ल्डली ट्रैप के बीच में फंसे हुए हैं, और ये सोच के उसे बहुत खुशी मिलती थी. और फिर कई लोगों के बारे में वो ये सोचता था कि वो लोग अभी इस ट्रैप के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, वो अलग अलग बेट्स को देख रहे हैं, उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं. अभी वो ट्रैप में फंसे नहीं हैं लेकिन वो फंसने वाले हैं. तो ऐसे लोगों के बारे में सोचकर उसे बहुत अच्छा लगता था. ये उसका फेवरेट पास टाइम था, फेवरेट हॉबी थी. One dark evening, as he was trudging along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside and he knocked on the door to ask shelter for the night. Nor was he refused. अब एक अंधेरी रात का इंसिडेंट यहाँ पर बताया जा रहा है. वो सड़क के किनारे ट्रजिंग कर रहा था. ट्रजिंग मीन्स टू वॉक विद हैवी स्टेप्स. तो वो ऐसे बहुत ही हैवी से स्टेप्स लेकर चल रहा था और सड़क के किनारे एक छोटा सा ग्रे रंग का कॉटेज था. वो वहाँ पर आकर रुक गया. उसने नॉक किया शेल्टर मांगने के लिए और इस बार उसे घर के मालिक ने रिफ्यूज़ नहीं किया. नहीं तो जनरली क्या होता था, जब वो किसी कॉटेज पर जाता था शेल्टर मांगने तो उसे वो रिफ्यूज़ कर देते थे और वापस जाने को कहते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ. Instead of the sour faces which ordinarily met him, the owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to in his loneliness. Sour faces here means unfriendly faces. Generally, जब भी ये जो vagabond है ये किसी भी घर पर जाता था, किसी से मदद मांगता था, उसे unfriendly response मिलता था. लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ. ये जो घर का owner था ये अकेला रहता था. इसकी कोई wife नहीं थी, बच्चा नहीं था, लोनली था. इसलिए इसे कंपनी मिल गई, कोई बातचीत करने के लिए मिल गया. ये बहुत खुश था और इसने इस वैगाबॉन्ड को वेलकम किया. इमीडिएटली ही पुट द पॉरिज पॉट ऑन द फायर एंड गेव हिम सपर. देन ही कार्व्ड ऑफ सच अ बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टोबैको रोल दैट इट वॉज इनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ओन. अब इस कॉटेज ओनर ने क्या किया, उसने जैसे ही देखा कि एक स्ट्रेंजर उसके घर में आया है जो बहुत थका हारा है, उसने पॉरेज का पॉट रख दिया गैस के ऊपर पकने के लिए ताकि वो उसे सपर ऑफर कर सके. तो उसने उसके लिए मील प्रिपेयर करना शुरू कर दिया और फिर उसके पास जो टोबैको रोल था उसमें से इसने एक बहुत ही बड़ा स्लाइस काटा और खुद भी उसे यूज़ किया और उस स्ट्रेंजर के साथ अपना टोबैको भी शेयर किया. तो इस तरह से उस कॉटेज ओनर ने उसका स्वागत किया, उसकी सेवा की. फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स एंड प्लेड जॉलिस विद हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम. नाउ दिस इज द नेम ऑफ अ कार्ड गेम. फिर उसने क्या किया, उसने अपने कार्ड्स का पैक निकाला, प्लेइंग कार्ड्स, और अपने गेस्ट के साथ ये कार्ड गेम खेला और उसके बाद वो लोग सो गए. द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जेनरस विद हिज कॉन्फिडेंसेस एज विद हिज पॉरेज एंड टोबैको. तो जिस तरह से इस ओल्ड मैन ने अपना पॉरेज और टोबैको शेयर किया था इस रैट ट्रैप सेलर के साथ, उसी तरह से उसने अपनी कॉन्फिडेंशियल जो बातें थी, अपने जो सीक्रेट्स थे, वो भी उसके साथ शेयर किए. The guest was informed at once that in his days of prosperity, his host had been a crofter at Ramso Iron Works and had worked on the land. Days of prosperity means उसके young days, उसकी youth के जो दिन थे जब वो बहुत मेहनत किया करता था, जब वो बहुत तरक्की किया करता था.
तो इस ओल्ड मैन ने अपने गेस्ट को बताया कि जब मैं जवान था, जब मैं बहुत मेहनत करता था, बहुत काम करता था, तब मैं रैमसो आयरन वर्क्स में एक क्रॉफ्टर का काम भी करता था और लैंड के ऊपर भी काम करता था, मे बी एज अ फार्मर। ये चीज़ हमें क्लियरली नहीं बताई गई, लेकिन वर्क करता था वो, लेकिन लैंड पे वो वर्क करता था, तो हम कह सकते हैं कि वो फार्मर भी था। Now that he was no longer able to do day labor, it was his cow which supported him. Yes, that Bossy was extraordinary. Bossy here means a cow which yields a lot of milk. एक ऐसी गाय जो बहुत सारा दूध देती है, उसे हम बॉसी कह सकते हैं। अब जैसे कि वो बूढ़ा हो गया था, वो इतनी मेहनत नहीं कर सकता था, तो उसने जो एक गाय रखी हुई थी वो उसको पैसे कमा के देती थी, क्योंकि वो गाय बहुत ज़्यादा दूध यील्ड करती थी, तो ऑब्वियसली वो उस मिल्क को सेल करके मनी अर्न करता था। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 kroner इन पेमेंट। अब ये जो काओ है वो बहुत ज़्यादा दूध देती थी, जिसे वो क्रीमरी में जाकर बेच आता था। क्रीमरी मीन्स ऐसी फैक्ट्री जो दूध से क्रीम बनाती है। तो वहाँ जाकर जब वो मिल्क बेचता था, तो पिछले महीने वो बताता है कि उसने 30 kroner पैसे कमाए थे बाय द सेल ऑफ दिस मिल्क। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो, टुक डाउन अ लेदर पाउच विच हंग ऑन अ नेल इन द वेरी विंडो फ्रेम एंड पिक्ड आउट 3 wrinkled 10 kroner बिल्स। इनक्रेडुलस मीन्स समथिंग विच इज़ अनबिलीवेबल। आप किसी की बात पर अगर विश्वास ना कर सके, अविश्वसनीय बात है, तो उसे आप इनक्रेडुलस कह सकते हैं। आप कह सकते हैं कि वो डाउटफुल था। ऐसा लग रहा था इस ओल्ड मैन को कि वो स्ट्रेंजर उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा, इसलिए वो खड़ा हुआ, खिड़की पर गया, वहाँ पर एक लेदर पाउच हैंग हो रहा था, उसने वो पाउच उतारा और उसमें से क्रश्ड, रिंकल्ड मीन्स क्रश्ड, क्रश्ड 3 notes निकाले 10 kroner के, उसे दिखाए कि ये देखो, ये मेरी पिछले महीने की कमाई है जो कि मुझे मिली है दूध बेचकर। दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आईज ऑफ हिज गेस्ट नॉडिंग नोइंगली एंड देन स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच। तो उस ओल्ड मैन ने वो 3 notes निकाले, अपने गेस्ट को दिखाए और अपना सिर ऐसे हिलाया नॉड करने के लिए, और फिर उन नोट्स को वापस पाउच में रख दिया। The next day both men got up in good season. The crofter was in a hurry to milk his cow and the other man probably thought he should not stay in bed when the head of the house had gotten up. In good season means in a timely manner, time par. Head of the house means the person who earns money and takes decision of the house. तो यहाँ पे हेड ऑफ द हाउस कौन है? वो ओल्ड मैन जिसने गाय रखी हुई थी। तो अगली सुबह दोनों व्यक्ति समय से उठ गए। तो जो क्रॉफ्टर है उसे अपनी काऊ को मिल्क करना था, और रैट ट्रैप सेलर ने भी सोचा कि जब घर का मालिक उठ गया है तो उसे भी उठ जाना चाहिए। तो दोनों ही समय से उठ गए। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम। द क्रॉफ्टर लॉक्ड द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट। तो रैट ट्रैप सेलर और उस ओल्ड मैन ने दोनों ने इकट्ठे कॉटेज से एग्जिट किया। क्रॉफ्टर ने दरवाज़ा लॉक किया और चाबी को अपनी पॉकेट में रख लिया। द मैन विद द रैट ट्रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे। तो रैट ट्रैप सेलर ने उस ओल्ड मैन को गुड बाय किया और उसे थैंक्स भी किया उसके अच्छे बिहेवियर के लिए, और दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। But half an hour later, the rat trap peddler stood again before the door. He did not try to get in, however. आधे घंटे बाद ये जो rat trap seller है, ये वापस उस grey cottage पर आ गया। उसने दरवाज़ा नहीं खोला, वो वहीं पर खड़ा रहा दरवाजे पर। He only went up to the window, smashed a pane, stuck in his hand and got hold of the pouch with the 30 kroner. उसने क्या किया, वो खिड़की तक गया, उस खिड़की पर जहाँ पर पाउच लटक रहा था 30 kroner वाला। उसने खिड़की का शीशा तोड़ा, अपना हाथ अंदर डाला, पाउच बाहर निकाला और उसमें से 30 kroner निकाल लिए। He took the money and thrust it into his own pocket.
Then he hung the leather pouch very carefully back in its place and went away. Thrust means pushed inside. So what did this rat trap seller do? उसने विश्वासघात किया. ये जो ओल्ड मैन है उसने उस पर विश्वास करके अपना सीक्रेट उसके साथ शेयर किया था, लेकिन इसने क्या किया, आधे घंटे बाद आया और उसके घर से ये पैसे उसने चुरा लिए. उसने पैसे लिए, अपनी जेब के अंदर रख लिए, लेदर पाउच को वापस टांगा और वहाँ से चला गया. एज ही वॉकड अलॉन्ग विद द मनी इन हिज पॉकेट ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड विद हिज स्मार्टनेस. इनिशियली उसे बहुत खुशी हो रही थी, उसे लग रहा था कि वो बहुत स्मार्ट था कि उसने इस ओल्ड मैन के 30 क्रोनर्स चुरा लिए हैं. ही रियलाइज्ड ऑफ कोर्स दैट एट फर्स्ट ही डेयर्ड नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड इनटू द वुड्स. थोड़ी देर बाद उसे ये रियलाइजेशन हुई कि उसे हाईवे पर नहीं चलना चाहिए क्योंकि हो सकता है ओल्ड मैन पुलिस को कॉन्टैक्ट करेगा, कंप्लेंट करेगा कि उसके यहाँ चोरी हो गई है और पुलिस उसे ढूंढती हुई जब निकलेगी तो उसे पकड़ सकती है. इसलिए उसने क्या किया, हाईवे से रोड से उतर के वो वुड्स में चला गया, जंगल में चला गया. उसने सोचा कि यहाँ पर मैं सेफ रहूँगा, इसलिए वो वहाँ पर जाकर चलने लग गया. During the first hours, it caused him no difficulty. Later in the day, it became worse, for it was a big and confusing forest which he had gotten into. Initially, उसे कोई problem नहीं हो रही थी, बड़े आराम से वो चल रहा था, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसकी हालत बुरी हो गई. क्यों? क्योंकि ये जो forest था बहुत ही बड़ा था, confusing था, और इसी वजह से उसे ऐसा लग रहा था कि वो forest में गुम हो गया है. He tried to be sure to walk in a definite direction, but the paths twisted back and forth so strangely. अब वो बेचारा कोशिश कर रहा था कि वो एक ही डायरेक्शन में चलता जाएगा तभी वो उस फॉरेस्ट से बाहर निकल सकता है, लेकिन जो रास्ता था वो सीधा नहीं था. रास्ता कैसा था, ऐसे ट्विस्ट कर रहा था, कभी वो ऐसे घूम रहा था. तो उसने क्या रियलाइज़ किया कि ये जो रास्ता है ये बार बार एक ही जगह पर गोल गोल घूम रहा है और वो बाहर नहीं निकल पा रहा है. He walked and walked without coming to the end of the wood and finally he realized that he had only been walking around in the same part of the forest. अब बेचारा चलता गया चलता गया चलता गया, लेकिन फाइनली उसे क्या रियलाइज हुआ कि ये जंगल तो खत्म ही नहीं हो रहा, और वो क्या कर रहा है, वो जंगल के एक ही हिस्से में बार बार गोल 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 घूम रहा है. All at once he recalled his thoughts about the world and the rat trap. Now his own turn had come. He had let himself be fooled by a bait and had been caught. अब अचानक से उसे फिर से अपना वो विचार याद आ गया कि ये दुनिया क्या है, एक रैट ट्रैप है, और उसे अब ये रियलाइज़ हुआ कि ये जो 30 क्रोनर की मनी है ये भी एक बेट थी, और उसने जब उसे चुराया तो वो भी ट्रैप में फंस गया. ट्रैप क्या है, वो जंगल जहाँ पे वो बार बार गोल गोल घूम रहा है, वहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा. तो अब उसे क्या रियलाइज़ होता है कि वो भी रैट ट्रैप में फंस गया है. उसने 30 क्रोनर चुराए और वो बेवकूफ़ बन गया, और इसके लालच में आकर अब वो रैट ट्रैप में फंस गया है. द होल फॉरेस्ट विद इट्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेस, इट्स थिकेट्स एंड फॉलन लॉग्स क्लोज्ड इन अपॉन हिम लाइक एन इम्पेनिट्रेबल प्रिजन फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप. इम्पेनिट्रेबल मीन्स एक ऐसी चीज जिसको पेनिट्रेट नहीं कर सकते, जिसके अंदर घुस नहीं सकते, अगर घुस गए तो बाहर नहीं निकल सकते. अब ये जो पूरा जंगल है जिसमें बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत सारी टहनियाँ हैं, बहुत सारे थिकेट्स हैं. थिकेट्स क्या हुई, बहुत ही ज़्यादा जो डेंस ग्रोथ है ट्रीज़ की, श्रब्स की, और बहुत सारे टूटे हुए लॉग्स हैं पेड़ों के. ये जो पूरा जंगल है ये उसे एक ट्रैप की तरह लग रहा था क्योंकि उसने उसे चारों तरफ से घेर लिया था, और उसे ऐसे लग रहा था कि अब वो किसी प्रिजन में बंद हो गया है, कैद हो गया है, क्योंकि वो वहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा था. So students, with this we come to an end of part 1 of this chapter. We will continue the story in the next part. Thank you.